अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर दोस्त आज जो रेसिपी शेयर करने आई वो है सोन पपड़ी। तो आइए हम बनाते हैं टेस्टी लच्छेदार सोन पपड़ी। आज हम सोन पपड़ी बनाएंगे, उसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। इसमें दो टेबल स्पून हम घी डाल देंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। 2 टेबल स्पून शुद्ध घी डाला है। अब मैं इसमें 1 बाउल मैदा डाल रही हूँ। इस बाउल से मैंने 1 बाउल मैदा लिया है, ये 1/2 कप मैदा है। और इसी बाउल से मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, ये 1/4 कप बेसन है। अब दोनों को हम कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें घी में सेक लेंगे। बिल्कुल कम सिम पे हमारा बेसन और मैदा अच्छे से सिका रहा है। हम इसको थोड़ा ब्राउन कर लेंगे अच्छे से कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए बेसन का और मैदे का भी। कम से कम इसको हम 15 से 20 मिनट सेकेंगे। सोन पपड़ी बहुत ही आसानी से बनती है, मैं आपको बताऊंगी। हम घर पर भी बना सकते हैं और ये बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत टेस्टी लगती है सोन पपड़ी। बस बेसन और मैदे को आप अच्छी तरह से सेक लीजिए। कि बेसन और मैदा हमारा अच्छे से सिका गया है। अब यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी और बेसन और मैदे को एक प्लेट में छान कर ठंडा होने दूँगी। यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक चलनी से छान कर इसको ठंडा होने रख दिया। बेसन और मैदा मैंने छान कर ठंडा होने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चाशनी बनाएंगे हम सोन पपड़ी के लिए। तो मैंने यहाँ 1 बाउल शक्कर ली है, वही बाउल से जिससे हमने मैदा लिया था, और 1/2 बाउल पानी लिया है। हमको 1 तार की चाशनी बनाना है। गैस को मैं चालू कर दूँगी। 1 तार की हमको चाशनी बनाना है। ये हमारी चाशनी हो रही है, यहीं पर मैं 1 नींबू का रस डाल दूँगी इसमें। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो, नींबू ना हो, तो आप टार्ट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं 1 पिंच। इसको हम अभी होने देंगे। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है। और इसको देखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप ठंडा पानी लीजिए कटोरी में और थोड़ी सी चाशनी उसमें डालिए। इस तरह से हम डालेंगे और देखिए इस तरह से चाशनी बनने लगे इस तरह से। ये तो ये सोन पपड़ी के लिए परफेक्ट चाशनी है। ये देखिए इस तरह से बॉल बनने लगे तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ी देर हम गैस बंद करके भी इसको चलाते रहेंगे क्योंकि चाशनी अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा फ्राई पैन लिया है, उस पर मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। अब ये सारी चाशनी को मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। अभी बहुत गर्म है चाशनी, पूरी चाशनी को हम इस फ्राई पैन में डाल लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया है कि ये ठंडी होने पे चिपके नहीं। निकाल लेंगे लेकिन हम इसको इस तरह से ठंडी करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से हिला हिला कर इसको ठंडा करते जाएंगे। जैसे ही ठंडी होती जाएगी थोड़ी जमती जाएगी। इस तरह से आप सब तरफ से इसको हिला हिला कर ठंडा कर लीजिए। अभी मैं चम्मच से ही कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ बिल्कुल मत लगाइए। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर हम हाथ से करेंगे। अभी आप इसको इस तरह से सब तरफ से घुमा घुमा कर करते जाइए। सब तरफ से हम इसको इस तरह से करते करते ठंडा कर लेंगे। ये थोड़ी ठंडी, एकदम ज़्यादा भी ठंडी नहीं करना है हमें, हल्की सी बस गर्म रहे। मगर अभी बहुत गर्म है, हाथ मत लगाइए वरना चटका लग जाएगा। इस तरह आप चम्मच से इसको करते रहिए। अब हमारी शक्कर की चाशनी ठंडी हो गई है और इस तरह से हो गई है। अब हम इसको इस तरह से लंबा खींचेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। कम से कम हम इसको 8 से 10 बार करेंगे। इस तरह से हमें खींचना है और इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से खींचना है, इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसा 8 से 10 बार हम इसको करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज होता जाएगा चाशनी का। ये देखिए इस तरह से खींचना है और इस तरह से हमको इसको फोल्ड करना है। इस तरह से खींचना है, इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे हम 8 से 10 बार करेंगे। इस तरह से हम इसको खींचेंगे और इसे ही अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको हम 8 से 10 बार करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से करने के बाद मैंने इसको इस तरह से रोल कर लिया है और ये दोनों मुँह चिपका दूंगी। हम इस तरह से इसको कर लेंगे। और हमने जो मैदा और बेसन सेक के रखा था, इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म पे डाल लिया है।
देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। इसको अच्छी तरह से मैदे और बेसन में कर लेंगे हम रोल, और इस तरह से इसको खींचते जाएंगे हल्के हल्के हाथ से। ऐसे हल्के हल्के हाथ से आप इसको दोनों साइड से खींचते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम इसको इस तरह से डबल कर देंगे, फिर हम इसको खींचते जाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम मैदा और बेसन डालते जाएंगे और इसको इस तरह से हम बस खींचते जाएंगे, और इस तरह से ऊपर से वापस ऐसा कर देंगे हार जैसा इसको। बस इस तरह से हमको इसको खींचते जाना है। बस देखिए इस तरह से इसको हम खींचते रहेंगे बस साइड साइड से इस तरह से हम। तो देखिए ये धागे बनते जा रहे हैं, ये देखिए सोन पपड़ी के। बस इसी तरह से हम इसको खींचते रहेंगे, ये इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा बेसन और मैदा डाल डाल के इस तरह से इसको खींचते रहेंगे तो इसके धागे बनेंगे। ये देखिए ये बारीक बारीक धागे बन रहे हैं, ये देखिए। बीच में जहाँ आपको ऐसा लगे कि थोड़ा मोटा है, शक्कर हुई नहीं है, मतलब ये देखिए इस तरह से, तो आप इसको भी खींच दीजिए तो ये भी धागे धागे हो जाएंगे। बस इसी तरह से हम पूरा करते जाएंगे, इसको इस तरह से फोल्ड अंदर करते जाएंगे, और इस तरह से बस बेसन सूखा डालते जाएंगे और मैदा, और इसको हम खींचते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम देखिए, ये हमारे सोन पपड़ी के बारीक बारीक रेशे धागे बनते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमारे पूरे लच्छे खुल गए हैं, ये देखिए बिल्कुल लच्छेदार हमारी सोन पपड़ी तैयार है, ये देखिए। अब मैं एक ही मैंने कप लिया है मेजरिंग, इसमें मैं थोड़ी से बादाम रखूँगी और थोड़ा सा हम ये लच्छा इस तरह से उठाकर इसमें रखेंगे। जितना भी आपको रखना हो हल्के हाथ से आप इसको दबा दीजिए, जितना मोटा और जितना बड़ा आपको बनाना हो उस तरह से आप इसको दबा दीजिए। और ये देखिए हमारी लच्छेदार सोन पापड़ी बनके तैयार है। ऐसे ही हम बना बना के पूरी रख लेंगे। और मैं कप में आपको बताती हूँ बनाकर। इस तरह से हम काजू डाल देंगे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल दीजिए, और इस तरह से लच्छे को उठाइए और इसके अंदर इस तरह से हल्के हाथ से रख दीजिए। बस हल्के हाथ से, ज़्यादा हमको नहीं दबाना है, बस हल्के हाथ से हम ये लच्छे रख देंगे। जितना हमको रखना हो उतना लच्छा हम रख देंगे, हल्के हाथ से इसको दबा देंगे इस तरह से। ये देखिए देखिए हमारी सोन पापड़ी बनके तैयार है, और ये बिना मशीन के हमने हाथ से बनाई है, और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितने अच्छे लच्छे आए हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरह की हमारी सोन पापड़ी बनी है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी से। थोड़ी मेहनत तो लगती है, मगर मेहनत करके कोई भी चीज़ खाओ तो उसमें ज़्यादा मज़ा। अगर हम कोई भी चीज़ मेहनत करके बनाते हैं और खाते हैं तो उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी सोन पापड़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूँगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।